वेलकम एवरीवन, आई डॉक्टर अंजलि सक्सेना वेलकम यू ऑल। डियर लर्नर्स, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने रोटरी किन की हेल्प से सीमेंट को मैन्युफैक्चर किया था। पोर्टलैंड सीमेंट को बनाने के हमने 5 स्टेप देखे थे, जिसमें हमने पहला स्टेप देखा था मिक्सिंग, सेकंड स्टेप हमने देखा था बर्निंग जो कि हमने रोटरी किन में किया था, थर्ड स्टेप हमने देखा था कूलिंग, ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसे हम 2 पार्ट दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम ड्राई प्रोसेस से मिक्सिंग कर सकते हैं या हम वेट प्रोसेस से मिक्सिंग कर सकते हैं। तो आज हम ये डिफरेंस देखने जा रहे हैं कि क्या डिफरेंस है ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस में, डिफरेंस बिटवीन ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस। सो डियर स्टूडेंट, अगर बात करें ड्राई प्रोसेस की, तो ड्राई प्रोसेस एक ऐसा मेथड है जो कि अडॉप्ट किया जाता है जब हमारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, यानी कि लाइम स्टोन, सिलिका, एल्यूमिना, ये आर्जिलेशियस मटीरियल, हमारे जो भी रॉ मटीरियल हैं वो क्वाइट हार्ड हों, जिनको वाटर के थ्रू डिसइंटीग्रेट ना किया जा सके। जबकि वेट प्रोसेस को हम अडॉप्ट करते हैं जब भी हमारे रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें तो ड्राई प्रोसेस जो होता है, ड्राई प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस, व्हाइल जो वेट प्रोसेस होता है इट इज अ फास्ट प्रोसेस। इन केस ऑफ ड्राई प्रोसेस फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से शॉर्टर किन हमें रिक्वायर्ड होती है। तो हम कह सकते हैं जो सीमेंट की कॉस्ट निकल कर आएगी वो कम निकल कर आएगी, जबकि वेट प्रोसेस में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को इवेपोरेट करने की वजह से फ्यूल की कंजम्पशन ज़्यादा होगी, लॉन्गर रोटरी किन रिक्वायर्ड होगी और इस तरीके से जो सीमेंट प्रिपेयर किया जाएगा उसकी कॉस्ट हाई होगी। ड्राई प्रोसेस से बनने वाला जो सीमेंट होता है ये इन्फीरियर क्वालिटी का होता है, जबकि वेट प्रोसेस से जो बनता है सीमेंट उसकी क्वालिटी बेटर होती है एज कम्पेयर टू दैट सीमेंट विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ड्राई प्रोसेस। ये जो वेट प्रोसेस से सीमेंट बनता है ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इतनी स्ट्रेंथ ड्राई प्रोसेस से प्रिपेयर्ड सीमेंट नहीं कर पाता। नेक्स्ट, अगर हम डिफरेंस की बात करें, अगर हमारे जो रॉ मटेरियल हैं उसमें 15% या 15% से ज़्यादा मॉइस्चर है, इनहेरेंट मॉइस्चर है, तो क्या हो सकता है ये जो ड्राई प्रोसेस है इस कंडीशन में ये अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, जबकि हम वेट प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं जब भी हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं उसमें परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर बहुत हाई होगा। लास्ट, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो ड्राई प्रोसेस होता है जितने भी हमारे कोल्ड कंट्रीज होते हैं उसमें ये अडॉप्ट किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर जो वाटर होता है वो फ्रीज हो जाता है लो टेम्परेचर पर, जबकि कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस में वेट प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता ड्यू टू फ्रीजिंग ऑफ वाटर। सो दीज आर सम डिफरेंस बिटवीन ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस, जब भी हमारा जो मॉइस्चर कम होगा, हमारा जो मटीरियल होंगे रॉ मटीरियल वो हार्ड होंगे, तब अडॉप्ट किया जाता है और कम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लो क्वालिटी का, इन्फीरियर क्वालिटी का सीमेंट मिलता है, कॉस्ट कम होती है। जबकि वेट प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है जब भी हमारे रॉ मटेरियल्स में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा हो, सीमेंट की कॉस्ट हाई होगी, सुपीरियर क्वालिटी का सीमेंट बनेगा और सीमेंट की कॉस्ट हाई होगी। कोल्डर कंट्रीज में ड्राई प्रोसेस को अडॉप्ट किया जा सकता है जबकि वेट प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। सो आई होप आप सबको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।